परम पूजने जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ भक्त बाहर खड़े हैं, अगर उनको स्थान नहीं मिल रहा तो किसी न किसी तरह कुछ भक्त लोग आगे होना शुरू कर देंगे, सबको स्थान मिल जाएगा। पीछे से थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज आखिरी दिन है, हमें उन भक्तों का भार पकड़ करना चाहिए जिन्होंने प्रयास किया। हरे कृष्ण। भक्तों का नाम नहीं, जिन्होंने भोजन प्रमोण की पत्नी भी आ रहे हैं 11 बजे, वो भी थोड़ी थोड़ा उपदेश देंगे। दो भक्तों को हरी नाम दीक्षा देनी है। कहाँ है? माना गया है Sodanandana Brajajana Janana
Thank you.
Udupi Krishna ki, all glory to them. Meantime, all glory to them. All glory to Sri Guru Sri Guru. Hare Krishna. So, festival kab samapt ho raha hai? Kitne baje? Baar baje. अभी फिर प्रसाद होगा नहीं होगा हो गया हो गया प्रसाद
सब भक्तों ने प्रसाद की बहुत तारीफ की है। कहाँ है बुरी जान प्रभु, हर भक्त का, कई भक्त अमेरिका से आए थे, वो भी कहते हैं प्रसाद सबसे अच्छा था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो मैंने दो भक्तों को हरि नाम भिक्षा देनी है, अगर बड़ा नहीं माना तो पहले दे दें। मैं थोड़ी देर बोलूँगा और भूजान प्रभु और उनकी पत्नी आ रही है। भूजान प्रभु और उनकी पत्नी दोनों प्रभुपाद जी के शिष्य हैं और बहुत पुराने भक्त हैं और जीवीसी भी रह चुके हैं। वो बेंगलुरु में इलाज करा रहे हैं, उनके पाँव में कोई तकलीफ है, तो उन्हें मैंने निमंत्रण दिया था और उन्होंने कहा कि 11 बजे से पहले मैं नहीं आ सकता, तो 11 बजे तक वो पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो शंकर बेके वेंकट दो भक्तों को देख हैं और दूसरे भक्त हैं आशीष सैगल, ये दोनों दक्षिण भारत में रहते हैं। आवाज क्लियर नहीं है, अब ठीक है। आप कहाँ रहते हो? चेन्नई में। चेन्नई में रहते हो? तो ठीक है, ठीक है। कितना माला रोज कर, ये बेंगलोर में रहते हैं, मैं बेंगलोर जाता नहीं हूँ सर। हाँ, कितनी माला रोज? How many rounds every day if you chant? 16 rounds. Speak on the mic. 25 rounds. What are the four regular principles? No meat eating. No illicit sex. No intoxication including coffee and tea. No gambling. Okay. Your spiritual name is? Sankarshan Priya Das. Give you the slip later on. What's the problem? Ashish Sehgal. Pehle ab Delhi mein rehte the. Pehle Delhi mein rehte the, par ab Chennai mein rehte the. Chennai bhi mein jaata hoon. How many rounds a day to chant? How many rounds a day? 16 daily and 25 on Ekadashi. What are the four regular principles? No intoxication, no gambling, no meat eating, no illicit sex. And preaching. Your spiritual name is? Atul Balaram Das. It means Lord Balaram, who has no equal. Okay. Om Gyan Simran Dasya Gyananjana Bhagavatam Sri Chaitanya Jai Shri Krishna. Shri Rupam Sagra Jatam Sahana Mahanitam Tamsirinam Sahana Mahanitam Tamsirinam Sahana Mahanitam Tamsirinam
ऐसे बोलते हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जय पुत्र हे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हे हिंदी हेलो हिंदी में निकाल सकती हो ये हरे कृष्ण आप में से दिल्ली NCR में कौन कौन रहते हैं आपको शायद याद होगा कि पिछले साल व्यास पूजा के अवसर पर हमारे मायापुर के भक्त आए थे ब्रजविलास याद है वो मायापुर के प्रोजेक्ट के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे याद है कि भूल गए आप लोग याद है तो आप ऐसे एक आधे सब भक्त जो उपस्थित थे उस व्यास पूजा में सब ने ये बच्चों को चुप कराओगे और आप में से लगभग सब ने जिम्मेदारी ली थी हम कुछ सेवा करेंगे मायापुर के अद्भुत मंदिर के विषय में याद है आपको आप में से कितने भक्तों ने जिम्मेदारी ली थी कि हम मायापुर के मंदिर में सहयोग हो गए पर ब्रजविलास मुझे कह रहा है बार बार कि कईयों ने प्लेजेंस जिम्मेदारी तो ली थी वो निभा रहे हैं तो बोलने से मेरे साथ नहीं है इस समय पर मैं सोच रहा था कि आप सबसे विनती करूँ कि जिन्होंने जिम्मेदारी ली है इस मंदिर के निर्माण में सहयोग देने के लिए वो निभाएं अपनी जिम्मेदारी को हम भगवान ने जनंदा की इच्छा थी एक अद्भुत मंदिर बने और हमारे आचार्यों की भी इच्छा थी क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार ये मंदिर बन रहा है और काफ़ी कुछ बन चुका है ये योजना है कि 1922 तक ये मंदिर सब तैयार हो जाए तो आप सब भक्तों से निवेदन है जिन्होंने जिम्मेदारी ली है ये संकल्प लिया था कि हम सेवा करेंगे ये बगैर के सेवा कीजिए आप सबको पता है कि आपने अब देखिए अपना चंदा काम भेजना कि एड्रेस गुम हो गया एड्रेस है तो वो जिन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली वो अभी ले सकते हैं वही संस्था की हार्दिक इच्छा है कि 1922 तक ये मंदिर तैयार हो जाए तो कल हमने साधु संघ की चर्चा की थी और शास्त्रों के जैसे कहा था शास्त्रों में बार बार इसी विषय का वर्णन किया जाता है और ये भी कहा था कल कि साधु की क्या पहचान होनी चाहिए और भगवत में लिखा है जो साधु है वो सदा भगवान की सेवा में जुड़े रहता है उसका आचरण भी शास्त्र पर आधारित होना चाहिए भगवत और भगवद्गीता में हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो सकता है भगवद्गीता अगर आप पढ़ो ध्यान से तो देखोगे कि आके हर प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो सकता है और कई बार भाग कहते हैं ये जो प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं वही प्रश्न मेरे हाथ में दिमाग में भी है अर्जुन तो भगवान के सनातन साथी हैं तो प्रश्न ही नहीं उठता कि वो ब्रह्म में आ गए या ज्ञानता का प्रभाव हुआ तो भगवान ने उन्हें ऐसी स्थिति में डाला इसलिए कि भगवान चाहते थे कि गीता का संदेश दिया जाए मानव समाज के सुधार के लिए उसी पर भागवतम
परीक्षित महाराज को ब्राह्मण लड़के ने श्राप दिया था कि साधु के पश्चात वही मृत्यु हो जाएगी। तो यही परीक्षित महाराज की सुरक्षा के लिए भगवान ने, वो माता के घर में थे, पर भगवान ने उन्हें भी ऐसी स्थिति में डाला कि भगवान चाहते थे कि भागवतम का उपदेश दिया जाए। और भागवतम के उपदेश में भी आप देखते हो हर प्रकार के प्रश्न का उत्तर है। विज्ञानियों के लिए भी ज्ञान है पांचवें स्कंद में, तो भागवतम भी हमें बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो भागवतम के सातवें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा। युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से कहा, कोई हिंदी में है किसी बात महाराज? अच्छा ठीक है। महाराज युधिष्ठिर इंक्वायर फ्रॉम नारद मुनि, ओ माय लॉर्ड, ओ ग्रेट सेज, काइंडली एक्सप्लेन हाउ वी आर स्टेइंग एट होम विद आवर नॉलेज ऑफ द गोल ऑफ लाइफ may also easily attain liberation according to the instruction of the Veda. So, Yudhishthira Maharaj ne Narad Muni se pucha. Kya pucha? Ye bataiye, Maharaj Sant, ki hum jo ghar mein rehte hain, kaise jeevan ke laksh ko praapt kar sakte hain, shastra ke adhar par. आप सब घर में रहते हो तो यही आपका प्रश्न भी युधिष्ठिर महाराज आपकी तरफ से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। कई बार हम हिचकते हैं प्रश्न पूछने में, पर युधिष्ठिर महाराज नहीं हिचकते, उन्होंने स्पष्ट पूछा, ये बताइए महान संत कि हम जो घर में रहते हैं वो जो ब्रह्म में आ जाते हैं, किस प्रकार जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर। तो उन्होंने केवल ये नहीं पूछा किस प्रकार जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा शास्त्रों की वेदों की शिक्षा के आधार पर। ये था युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न। नारद मुनि कौन है? उन्हें महाजन्म माना जाता है। सही मूर्ण समूह कौमर कपिल मनु प्रदन को भेषमो प्रिय भय कैसे बारह प्रसिद्ध अधिकारी हैं जिनके द्वारा आप ये वैदिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। अगर साधारण स्थिति में अगर आपको कुछ कष्ट हो, मान लो आपको कोई बीमारी है, आप किसी व्यक्ति को भी रास्ते में पकड़ कर पूछते हो कि बीमारी का क्या इलाज है, नहीं फिर क्या करते हो? और डॉक्टर के पास जाने से पहले देखते हो या असली डॉक्टर है या नकली, क्योंकि भारत में नकली डॉक्टर भी बहुत हैं। मैं कुछ भक्तों के साथ था, डॉक्टर भक्तों के साथ था दो हफ्ते पहले पंजाब में, तो एक डॉक्टर भक्त कह रहा था हमारे कॉलेज में तो परीक्षा के बिना भी मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाता है। मैं कहा सच कहता है उनको तो केवल दान कमाना है, तो परीक्षा में बैठे बगैर सर्टिफिकेट मिल जाता है, डॉक्टर कर लिया आपने। तो ये आप प्रयास करते देखने में ये असली डॉक्टर है या नहीं। उसी प्रकार जो आध्यात्मिक प्रश्न है, आध्यात्मिक ज्ञान है, ये भी हमें प्रमाणिक व्यक्ति द्वारा प्राप्त करना चाहिए। भगवद्गीता में भगवान चौथे अध्याय में कहते हैं ज्ञान परंपरा में आ रहा है। सबसे पहले ज्ञान दिया था भगवान ने किसे? सूर्य के देवता विवर्तन को। तो भगवान ने ज्ञान फिर से अर्जुन को क्यों दिया, किसी और व्यक्ति को क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो क्या है, क्या थे? उनके मित्र थे और भक्त थे, इसलिए भगवान ने कहा तुम्हें दिव्य रहस्य को समझ पाओगे। ये महत्वपूर्ण है कि अगर हमने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना है
तो किसी प्रमाणिक व्यक्ति द्वारा प्राप्त करें। आज का आप देखते हो ढोंगी प्रचारकों की कमी नहीं है, और कई लोग प्रचार करते हैं केवल इस भावना से कि धन कमाया जाए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जब गीता भी प्रकाशित की, उन्होंने स्पष्ट कहा यथारूप, मतलब कि भगवान का संदेश जिस भाव से भगवान ने दिया और अर्जुन ने स्वीकार किया। तो ये था युधिष्ठिर महाराज का प्रश्न। क्या था उनका प्रश्न, कौन सुनाएगा? हाँ बोलिए। हाँ, उनका प्रश्न था जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। खास करके उनका प्रश्न था गृहस्थ जो घर में रहते हैं, भगवता में आप नारद मुनि द्वारा शिक्षा प्राप्त करते हो, ब्रह्मचारी का क्या आचरण होना चाहिए और क्या व्यवहार होना चाहिए, फिर आप ज्ञान प्राप्त करते हो वानरप्रस्थ का क्या आचरण होना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, फिर सन्यासी का भी क्या आचरण होना चाहिए, किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए, ये इसका भी मेरे गहराई से वर्णन है। और जो गृहस्थ आश्रम में है, जो घर में रहते हैं, उनके विषय में भी बड़े गहराई से बड़ा गहरा ज्ञान है। तो इस प्रश्न के उत्तर में नारद मुनि ने क्या कहा, सुनना चाहते हो? हाँ, पालन करोगे? ये तो सुनना बेकार है और सुनाना भी बेकार है, पर पालन करोगे? ओके, नारद मुनि रिप्लाइड, माई डियर किंग, डोज स्टे एट होम, हिंदी का भगवत मिला नहीं तो अभी 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 नहीं चाहिए। माई डियर किंग, इंग्लिश, माई डियर किंग, डोज स्टे एट होम एज हाउस होल्डर्स मस्ट एक्ट टू अर्न योर लाइवलीहुड and instead of trying to enjoy the results of the work themselves, they should offer the results to Krishna, Vasudev. How to satisfy Vasudev in his life can be perfectly understood with the association of great devotees of the Lord. Maharaj abhi Hindi mein prakar sunayenge. Hindi anuvad praapt ho gaya hai. Hare Krishna. Is adhyay mein desh kal tatha karta ke anusar You just read the translation. Text 2. 7-14-2. नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्म का फल स्वयं भोगने का प्रयास ना करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इसे भागवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सिखा जा सकता है। अनुवाद दोहराए है। अनुवाद, नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों की संगति के माध्यम से भली भांति सीखना चाहिए।
भजन प्रभु की। यहाँ नारद मुनि उत्तर दे रहे हैं इनको युधिष्ठिर महाराज को, वेलकम भजन प्रभु। तो यहाँ नारद मुनि उत्तर दे रहे हैं किसके प्रश्न के, युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के। वही उत्तर दिया जा रहा है मानव समाज के सुधार के लिए। नारद मुनि कह रहे हैं कि जो गृहस्थ आश्रम है उसे कमाई तो करना है, जीविका कमानी है, पर उसे ये नहीं सोचना चाहिए महाराज ये कम ना हो ना मेरे भाई। She's coming. I'm so happy to see you. I just need 5 minutes. I just need 5 minutes. Five, 10 minutes. Take long time speaking. You are the boy. So, Narada Muni, Yudhishthira Maharaj के प्रश्न के उत्तर में कह रहे हैं कि जीविका तो व्यक्ति को कमाना है और नहीं कमाएंगे तो खर्चा कैसे चलेगा, पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसके परिणाम के परिणाम का फल का हम फायदा उठाएंगे। हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम कमा रहे हैं तो हमें इसके द्वारा भगवान की सेवा भी करनी चाहिए। और आगे आप प्रश्न पूछोगे कि हमें कैसे पता लगे कितनी मात्रा में भगवान की सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार भगवान की सेवा करनी चाहिए, वो ज्ञान आपको कहाँ प्राप्त होगा, किसके माध्यम से, साधु के माध्यम से, साधु की संगत के द्वारा। तो जैसे हमने कहा था हाँ कि श्रीमद् भगवतम में और चैतन्य चतुर्मित में इस विषय की चर्चा कई बार हुई है। नारद मुनि कह रहे हैं जीविका कमाना है पर हम उसके भोक्ता नहीं बने। आज लोगों के मन में क्या विचार रहता है, हम कमा रहे हैं यह हमारे फल का नतीजा है, इसका पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए। कई बार हम लोग चंदा मांगने जाते हैं लोगों से, लोग कहते हैं सब कुछ जो मेरी है वो भगवान की है, पर है भगवान की पर चेकबुक आपके हाथ में है, वो हम लिखेंगे नहीं। नाम के लिए भगवान की है पर असलियत में हमारी है। तो नारद मुनि कह रहे हैं हमें भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए, और किस प्रकार भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए ये ज्ञान हमको प्राप्त होता है संतों के द्वारा, साधु के द्वारा। तो इसलिए आप देखते हो कि हमारे शास्त्र में कहा गया है साधु संगत का लाभ उठाओ। भौतिकवादी की संगत रखेंगे तो ज्ञान तब रहेंगे, और चेतन चेतनी तो क्या है, भौतिकवादी संगत में रहोगे तो अज्ञानता का प्रभाव में रहोगे, साधु संग में रहोगे तो आपको हमेशा शुद्ध शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। भगवतम के पांचवें स्कंध में आप जद भारत मान रहोग ना की कथा पढ़ते हो। जद भारत पूर्व जन्म में क्या थे, क्या थे, भारत महाराज थे पूर्व जन्म में, और वो भगवान ऋषभदेव जो भगवान के अवतार हैं जिनके 100 बेटे थे
और मेरे सबसे बड़े बेटे का नाम था महाराज। और उनका शासन इतना अच्छा था कि पूरी पृथ्वी का नाम हो गया था भारतवर्ष। उन्होंने राज्य किया, फिर त्याग कर जंगल में गए भगवान का चिंतन करने। जंगल में गए तो एक दुर्घटना बीत गई। उन्होंने एक समय देखा था एक हिरनी का पीछा एक शेर कर रहा था। हिरनी के घर में बच्चा था और अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए छलांग मारी। बच्चा भागा गया, माँ मर गई। राजा ने सोचा शायद ईश्वर की इच्छा है कि मैं इसकी देखभाल करूं, और इसकी देखभाल में जुड़ गए। इतने गहराई से आकर्षित हो गए कि हर समय उनकी इच्छा थी कि वो हिरन उनके साथ रहे। एक दिन जब वो नजरों से दूर था तो ढूंढते ढूंढते उनका क्या हो गया ध्यान हो गया। गीता में कहा गया है यम यम वापिस स्मरण भवाम, जहाँ आपका मन होगा मृत्यु के समय वहाँ ही उसी प्रकार का देह प्राप्त होगा। मान लो मृत्यु के समय आप भारत की क्रिकेट टीम के बारे में सोच रहे हो तो अठा जन्म कहाँ, घास में या किसी रूप में जहाँ क्रिकेट खेली जाएगी आपके सर। मैंने आजकल जैसे आप जानते हो दाढ़ी रखना फैशन हो गया है, आपने अनुभव किया है कई लोग दाढ़ी रख रहे हैं। तो मैंने एक पूछा है कि युवक से आप दाढ़ी क्यों रखते हो आजकल, कहता है क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन रखते हैं, मैं भी रखता हूँ। इतना लगाव है इंडियन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रख रहे हैं दाढ़ी, वो भी रखे। पिछले साल रशिया में वर्ल्ड कप हुआ था, फुटबॉल का वर्ल्ड कप, सारे विश्व से लोग वर्ल्ड कप देखने आए। इतनी भीड़ थी, अपन अंदाजा नहीं लगा सकते। बौद्धिक जगत में अनेक प्रकार के आकर्षण रहते हैं। तो ये जो वर्ल्ड कप होता है उसके साथ उनकी एक कमेटी है जो ढूंढती है कौन सा व्यक्ति सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में गया है। तो ये वर्ल्ड कप होता है 4 साल में एक बार। तो उन्होंने खोज कर ये देखा कि एक भारतीय व्यक्ति था जो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप में गया है दुनिया में। तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री टिकट देकर बड़े होटल में रहने का ठिकाना किया और उसका स्वागत किया। जो आया एयरपोर्ट में सारे अखबार के लोग आए उसको इंटरव्यू करने। उसे पता लगा कि एक मॉस्को में हरे कृष्ण का मंदिर है, उसे कहा मैं मंदिर जाना चाह रहा हूँ। तो ये इस व्यक्ति की उम्र थी लगभग 90 साल की। तो उससे पूछा गया एक रिपोर्टर के द्वारा तुम अब जिंदगी में क्या चाहते हो, कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदा रहूँ अगला वर्ल्ड कप देखने में। तो ये था उसका भाव, कहता मैं वर्ल्ड कप का हमेशा सोचते रहता हूँ, मेरी इच्छा कि एक और वर्ल्ड कप देखूँगी। तो छोटा सा अंदाजा है लोगों की बुद्धि का अंदाजा। तो वो अंत्य नारायण स्मृति, वो शास्त्र में कहा गया है नारायण का स्मरण करोगे जीवन त्यागते तो कहाँ जाओगे, भगवान के धाम जाओगे। तो भारत महाराज क्योंकि उनका चिंतन था उस पशु के प्रति, उन्हें इस पशु का रूप ग्रहण करना पड़ा। वो ज़्यादा देर नहीं ग्रहण करना पड़ा, फिर उन्होंने जन्म लिया एक ब्राह्मण कुल में जिनमें उनका नाम था जल भारत। उनका व्यवहार था जैसे वो घूंगे और भैरे, कहते ना वंस बर्न ट्वाइस शाय, एक बार आप जल गए हो तो फिर दूसरी बार शर्म हिचक के करते हो। आपने किसी को उधार दिया है उसने आपके पैसे नहीं लौटाए और फिर उधार दोगे नहीं। अगर आप माधवाचार्या होते तो इमली के बीजों को आप सोना बना सकते थे, आप माधवाचार्या दास
also. Asnivana Charyana Yoga. So, here Jat Bharat ke rupe unka vyavahar tha, jaise gungi aur behne. Ek samay ek raja ja raha tha palki mein. Prachin samay mein jo raja hote the, unhe palki mein uthaya jata tha. कोई आजकल आप बुलेट प्रूफ मर्सिडीज गाड़ी में ले जाते हो, डर लगता है कोई गोली उड़ा देगा. तो बुलेट ऐसी गाड़ियां हैं जिनको गोली नहीं लग सकती. तो उसको पलकी में उठा कर ले जा रहे थे. राजा जा रहा था कपिल देव जी के आश्रम में उनका उपदेश सुनने के लिए. और रास्ते और राजा तेजी से जाना चाहता था. उन्होंने वहाँ देखा है बहुत लंबे हाथों का लंबाई का वो बड़े कंधों का व्यक्ति खड़ा था. ऐसे देख रहा था जैसे गूंगा बह रहा है. पर सेवकों ने कहा सेवक दो राजा की पलकी उठाने में. तो जुड़ गया वो बहरा व्यक्ति. बहरा था नहीं व्यवहार था वैसा. पर राजा ने अनुभव किया पल की तेजी से जाने की बजाय धीमे जा रही थी. तो राजा क्रोधित हुआ. पहले उसे डांटा जल बाड़ा ने सह लिया. फिर जब और डांटने गए जल बाड़ा शेर जैसे बोले. और राजा समझ गए ये गूंगा और बहरा नहीं है. ये क्या है कौन है आत्मज्ञानी व्यक्ति है. राजा उसके शरणागत हो गए. और राजा ने अनेक प्रश्न पूछे जिनका उत्तर जल भारत ने दिया. तो जल भारत कहते हैं राजा को कि हमें संतों की संगत प्राप्त करनी चाहिए. आप अगर फिर से ही वही विषय की चर्चा. हाँ शास्त्र में बार बार इस विषय की चर्चा की जाती है. संतों की संगत प्राप्त करना चाहिए. क्यों? संतों के द्वारा आपको श्रवणम और कीर्तनम का ज्ञान प्राप्त होगा. जो असली संत हैं वो आपको राजनीतिक शिक्षा नहीं देंगे, व्यापारी शिक्षा नहीं. आपको शिक्षा देंगे जिसके द्वारा आप श्रवणम और कीर्तनम में बढ़ो. जैसे ये इस उत्सव का असली उद्देश्य क्या है कि आपके अंदर श्रवणम और कीर्तनम का भाव बढ़ाया जाए. और श्रवणम कीर्तनम करोगे इसके द्वारा क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? भौतिक आकर्षण घटेगा. जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, आध्यात्मिक कार्य में जुड़ते हैं, महामंत्र का जाप करते हैं, जब इन कार्यों के द्वारा दिव्य शक्ति प्राप्त होती है जिसके द्वारा आप भौतिक आकर्षण तोड़ सकते हो. भौतिक आकर्षण तोड़ सकते हो केवल अगर आध्यात्मिक आकर्षण को बढ़ाओ. अगर आध्यात्मिक आकर्षण नहीं बढ़ेगा तो भौतिक आकर्षण नहीं घटेगा. भौतिक आकर्षण कैसे बढ़ेगा? किस माध्यम से? श्रवणम और कीर्तनम. शास्त्र से यही निवेदन है श्रवणम कीर्तनम का लाभ उठाओ. परिणाम में रुचि लो. और रुचि कैसे बढ़ेगी? परिणाम लेने से. शास्त्र की रुचि कैसे बढ़ेगी? शास्त्र का अध्ययन करके. और साधन संग में रहोगे तो ये ठीक शिक्षा प्राप्त करोगे. ये है निवेदन. कला उठाइए. गुरुजन प्रभु बहुत दूर से आए हैं. मैं चाहता हूँ कि वो आपको देख लें. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. वेरी प्लीज वी आर वेरी प्लीज टू रिसीव is Bhurijan Prabhu. Bhurijan Prabhu is a very senior disciple of Srila Prabhupada. He was a GVC man, the guru, and he has written many books on education. He's in Mangalore. I found out that he was in Mangalore undertaking some medical cure. So we invited him. And he has very kindly come here. Is your wife also here? Yes, she's coming. On a separate car. She went shopping.
Okay.